सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल रैंक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उस मोबाइल का नाम है Redmi Note 9। इससे पहले मैंने दो मोबाइल्स की इस चैनल पे अनबॉक्सिंग की है। दोनों ही मोबाइल्स पोको की तरफ से आती है, जिसमें एक पहले पोको X3, उसके बाद पोको M2। दोनों ही मोबाइल्स को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग Redmi Note 9 की अनबॉक्सिंग करेंगे और इस मोबाइल को मैंने Amazon से ऑर्डर किया है। इस मोबाइल का प्राइस आपको Amazon पे मिलता है 11,499 रुपीज, लेकिन अगर आप इस मोबाइल को अभी खरीदते हो कोटक बैंक डेबिट कार्ड का यूज करके तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अप टू 1500, जिसके बाद इस मोबाइल का प्राइस और भी डाउन हो जाता है। तो चलिए गाइस, देख लेते इतने कम बजट वाले फोन में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी, सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 9 की जो डिलीवरी है वो आ चुकी है और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की पैकेजिंग मिलती है। इसके अंदर जो आपको जो बबल वाला प्लास्टिक होता है जिसको दबाने से पट पट फूटता है, वो वाला आपको इसके साथ मिल जाता है, जिससे आपका जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। चलिए हम लोग इस पैकेजिंग को ओपन कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारा पैकेट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको मोबाइल के बॉक्स के साथ आपको यहाँ पे जो एक कुछ कागज़ मिलता है, जो यहाँ पे इस मोबाइल का रिसीट है, तो इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। इसके बाद आपको इसको भी साइड रख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो मोबाइल का बॉक्स है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि है वाइट कलर का। पीछे साइड आपको Redmi Note 9 के जो हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आपको इसका बैटरी, आपको यहाँ पे कैमरा, आपको इसका जो वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा, इस चाकू के साथ हम लोग इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। गाइस, बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। इसको हम लोग साइड रख लेते पहले। इस बॉक्स में हम लोग को सबसे पहले एक केस मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे एक वाइट कलर का बिना ब्रांडिंग के आपको एक केस मिलता है। इसको हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है एक ठोक सामने में ही। इसके बाद हम लोग इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है Redmi Note 9 का। इसको पता नहीं कौन पढ़ता है, इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। इसके बाद आपको इसके नीचे में आपका जो सेफ्टी केस पे आपको एक बैक कवर मिलता है Redmi Note 9 के लिए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक ट्रांसपेरेंट में आपको थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी का एक आपको बैक कवर मिल जाता है, लेकिन पोको M2 में तो आपको इतना भी नहीं मिला था, लेकिन अगर आप ये Redmi Note 9 लेते हो तो आपको एक बैक कवर मिल जाता है। तो इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भी साइड रख लेते हैं, सिम इजेक्शन टूल को भी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल मिलती है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग को एक पुट्ठा मिलता है, जो कि एक इस बॉक्स को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में। इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। इसके बाद इसके नीचे आपको यहाँ पे 22.5 वाट का एक एडेप्टर देखने को मिलता है, जो कि इस रेंज में काफ़ी अच्छा है, जिससे आपके इस मोबाइल की जो फास्ट चार्जिंग है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टाइप सी केबल मिल जाता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का है। इस प्राइस रेंज में आपको टाइप सी केबल मिलता है, जिससे आपका जो मोबाइल चार्जिंग है काफ़ी स्पीड और काफ़ी अच्छे से चार्ज होगी। तो इसको भी हम लोग साइड रख लेते हैं। इस बॉक्स का कोई काम नहीं है तो इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। सब बात करते हैं इस मोबाइल सेट की, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग इस पैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको Redmi Note 9 का लुक देखने को मिलेगा। पीछे साइड आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ग्लास फिनिश मिलता है, जिससे इसका लुक जो है वो काफ़ी प्रीमियम लुक बन जाता है। ये प्लास्टिक बॉडी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.53 इंचेस का फुल HD+ डॉट डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेशियो आपको 2340x1080 पिक्सल मिलता है। इसके साथ साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे ये है एक प्लास्टिक बॉडी, लेकिन इसका लुक काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक में आपको दिखाया गया है। तो इसके साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, जिससे आप अनलॉक और लॉक कर सकते हो अपने मोबाइल को। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है। इसके ऊपर साइड देखें तो यहाँ पे आपको जो पहला सेंसर मिलता है वो आयर ब्लास्टर मिल जाता है। राइट साइड में आपको नॉइस रिडक्शन सेंसर मिलता है, जो कि आपको नॉइस जो आती है आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग टाइम वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद नीचे साइड इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो जैक मिलता है, जिसमें आप अपना ईयरफोन लगा के गाना सुन सकते हो। इसके बाद आपको एक माइक मिलता है। आपको यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इसके राइट साइड में। और देखो तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है। इसका स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा लो है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको सिम लगाने का एक जगह मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं।
गाइस यहाँ पे आपको इस मोबाइल में एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है जिसमें आप एक मेमोरी के साथ दो सिम यूज कर सकते हो एक साथ। इस मोबाइल में आपको ज्यादा हाई स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हो अपने दोनों सिम के साथ साथ। तो चलिए गाइस हम लोग इसको वापस से अंदर डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके कैमरे की बात करें, इसके बाद इस मोबाइल के कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैम मिलता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल जो कि आपको मैक्रो कैम 2 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जिसकी टेस्ट हम लोग बाद में करने वाले हैं, लेकिन अभी आप अपने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख पा रहे होंगे जो कि इस कैमरे से खींची हुई है जो कि इसका क्लैरिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस मोबाइल के फ्रंट साइड देखो तो आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस इस मोबाइल को हम लोग अभी बूट अप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा Redmi Note 9 बूट अप हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको डेस्कटॉप देखने को मिलता है। यहाँ पे इस मोबाइल में आपको डेस्कटॉप मोड ही देखने को मिलता है, सारे ऐप्स आपको डेस्कटॉप में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस हम लोग इसके सेटिंग में जाके देख लेते हैं आपको यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, आपको क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके अबाउट फोन में जाके आपको सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अबाउट फोन में MIUI वर्जन 12 मिल जाता है। इसके बाद आपको स्टोरेज है जो 64 GB आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके नीचे आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको अगस्त मंथ का मिल जाता है। इसके बाद हम लोग इसके ऑल स्पेक्स में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 GB रैम वाला वेरिएंट है। इसके बाद इसके नीचे आप देख सकते हैं CPU आपको ऑक्टा कोर मैक्स 2.0 GHz में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो मिलता है मीडिया टेक की तरफ से हीलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर मिलता है 12 NM के साथ। अगर आप इस मोबाइल में गेमिंग करते तो आपका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जायरोस्कोप का भी सेंसर देखने को मिल जाए जो कि आपको पोको M2 में देखने को नहीं मिला था। तो अगर आप गेमिंग करते हो, आपको लो बजट वाला मोबाइल चाहिए तो आप इसको भी खरीद सकते हो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इतने कम बजट में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स, काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कैमरा पिक्चर्स की क्वालिटी ही दिखाई है। लेकिन गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि इस मोबाइल की स्पीड कैसी है, इसमें आपको एक गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी चीज़ मैं आपको कल या फिर परसों एक वीडियो में बता दूँ। उस वीडियो में मैं रेडमी नोट 9 वर्सेज पोको M2 का कंपेरिजन दिखाने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ आपको उसमें पता चल जाएगी, इसकी स्पीड से लेकर इसके कैमरे क्वालिटी तक की आपको इस बजट में कौन सी मोबाइल लेनी चाहिए, वो सारी चीज आपको उस वीडियो में पता चल जाएगी। तो गाइस इसलिए इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और आप अपने बजट के हिसाब से अपने मोबाइल को भी चूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही।